हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम 100 मीटर के लिए ऐसे पांच एक्सरसाइज देखेंगे जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ेगी और आपका जो 100 मीटर का स्टार्ट है, आप रनिंग करते वक्त आपकी लेग पोजीशन है, आप टो पर जल्दी आपकी बॉडी उठा पाओगे और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आज ऐसे बहुत अच्छे ऐसे पांच एक्सरसाइज करेंगे जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ेगी और बेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों। इस एक्सरसाइज को आप हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए और आप 100 मीटर का टाइम भी अच्छा निकल पाओगे। तो चलो देखते हैं किस तरह से एक्सरसाइज करना है और आप हम ऐसे पांच एक्सरसाइज करेंगे तो किस तरह से करना है, चलो देखते हैं। पहले एक्सरसाइज में हम यहाँ पर हाई नी करेंगे और स्पीड बढ़ाने के लिए हाई नी बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको किस तरह से हाई नी करना है देखो दोस्तों, आपको स्पीड से एक्सरसाइज करना है। अगर आप 100 मीटर करते हैं तो आपको स्पीड से एक्सरसाइज करना है। आपको हाथों को इस तरह से अच्छे से स्विंग करना है और आपका घुटना आपको 90 डिग्री तक उठाना है और आपको दोस्तों 20 सेकंड के दो सेट करने हैं। फिर दूसरा एक्सरसाइज हम यहाँ पर जंपिंग स्क्वाट करेंगे दोस्तों। ये स्पीड बढ़ाने के लिए और आपके लेग में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है इस तरह से और आपको नीचे आते वक्त आपको इस तरह से ऊपर जंप फास्ट लगानी है और नीचे आपको घुटना एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। घुटना और टो आपको इस तरह से एक्सरसाइज करना है और इसके भी आपको 10 रेपिटेशन के दो सेट लगाने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। आपको यहाँ पर दोस्तों आपको जंप और स्विंग लगाने हैं। आपको दोनों पैरों को इस तरह से आगे पीछे इस तरह से ऊपर लेना है और इससे भी दोस्तों आपके काफ मसल में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है और इससे भी एक्सरसाइज दोस्तों आप अच्छे से करना, आपके लेग में ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके भी आपको दोस्तों 10 रेपिटेशन के दो सेट लगाने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यहाँ पर टो जंप करेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ पंजों पे जंप करना है। जब आपके काप मसल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब भी आप 100 मीटर अच्छे से निकल पाओगे। इस तरह से आपको टो पर जंप करने हैं और जब आप ज़मीन पर फुट रखते हैं, पंजों रखते हैं, तब आपको दोस्तों पंजा रखने के बाद आपको स्पीड से ऊपर आना है। स्पीड से आपको ऊपर तरफ जंप लगाने हैं और इस तरह से भी आपको दोस्तों 15 रेपिटेशन लगा सकते हैं, 15 या 20 रेपिटेशन के दो सेट कर सकते हैं और ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है, स्पीड बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको टो जंप ही करने हैं, लेकिन क्या करना है, आपको घुटना ऊपर उठाना है। आपको क्या करना है, टो को ज़मीन पर रखने के बाद स्पीड से आपको 90 डिग्री तक घुटना उठाना है। जितना हो सके आप स्पीड से इस तरह एक्सरसाइज करना और ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। ये जो सभी एक्सरसाइज है इससे आपके काप मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है और आप 100 मीटर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज देखो दोस्तों किस तरह से सभी करना है और इसके भी आपको 10 या 12 रिपीटेशन के दो सेट लगानी है। तो दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ेगी और आपका 100 मीटर का टाइम भी अच्छा हो जाएगा। जो अभी हमने पांच एक्सरसाइज किए इसको आप अच्छे से करना, सभी एक्सरसाइज अच्छे से करना और अगर आप अच्छे से वर्कआउट करोगे तभी आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना और हफ्ते में एक बार जरूर इसे वर्कआउट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लीजिए